आज हम एक मोस्ट फेमस पर्सनालिटी श्याली भगत मैम, शी इज़ अ फॉर्मर फेमिना मिस इंडिया 2004 एंड द मोस्ट फेमस मूवीज गोज़, द ट्रेन, यारिया एंड मेनी मोर. तो लेट्स टॉक विद हर एंड नो अबाउट समथिंग. हेलो मैम. हेलो हबी. आपकी जर्नी टुवर्ड्स द स्टार्टिंग फ्रॉम अ फेमिना मिस इंडिया 2004 एंड फ्रॉम द मोस्ट फेमस मूवीज, तो आपका कैसा रहा जर्नी एंड आपने कैसे स्टार्ट किया प्लीज़? तो ऑब्वियसली जब आप इंडिया जैसी कंट्री में जिसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ हैं, वहाँ पर जब आप एक मिस इंडिया बनते हो तो आपके पास वेरी ऑब्वियसली मूवी ऑफर्स तो आने ही लगते हैं. तो वही हुआ मेरे साथ, मूवी ऑफर्स आने लग गए मेरे साथ. एंड देन उसमें से फिर मैं खुद इमरान हाशमी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है और गाने हमेशा अच्छे होते हैं, तो वाई नॉट डू दिस फिल्म. तो मैंने द ट्रेन करी एंड ऑब्वियसली इसके गाने बहुत ही अच्छे हिट रहे, चाहे वो ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर हो, बीते लम्हे, वो अजनबी, ये सारे गाने बहुत पॉपुलर हुए, हिट हुए. एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा एक फिल्मी करियर. उसके पहले भी और उसके साथ भी मैं मॉडलिंग में बहुत एक्टिव थी, तो चाहे वो रैंप वॉकिंग था, चाहे वो फ़ोटोशूट्स वगैरह था, मैं करती रहती थी. एंड मैंने इसके बाद सिर्फ हिंदी में ही नहीं, तो तेलुगु, तमिल, बंगाली, कन्नड़ा, पंजाबी, इन फिल्मों में भी काम किया है. एंड या अराउंड टिल नाउ मैंने अराउंड 23 फिल्म्स करी हुई है एंड अभी तक इट्स जस्ट गोइंग ऑन. मैम, यू आर कमिंग टू द फेस्ट मोस्ट फेमस फेस्ट 15 ग्लोबल फेस्टिवल, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? योर इंथुसियास्टिक एंड आपका जो मतलब लोगों के प्रति एंड संदीप सर की तरफ जो इंटरेस्टिंग है और फेमस है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ एक नेशनल नहीं तो एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल करें. इससे क्या है, चाहे वेदर दे आर नॉट जस्ट इंथुजियास्ट्स ऑफ फिल्म्स बट ऑल्सो स्टूडेंट्स हो वांटिंग टू लर्न सिनेमा, उनके लिए एक अच्छा एक्सपोजर हो जाता है. क्योंकि अब OTT इंटरनेट से ऐसे हो रहा है कि आप एक लैंग्वेज में, एक रीजन में से बंधे हुए नहीं रहते, अभी आपके जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं. तो लोग इनफैक्ट आजकल सबटाइटल्स के साथ भी मूवीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में भी मूवीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अलग अलग तरह के लोगों की स्टोरी टेलिंग कैसी है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ का, उनका एक ये क्या है आउटलुक क्या है. तो इस वजह से एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल करना एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है. एंड संदीप जी ने ये स्टार्ट किया है एंड उसको देखो अभी 15th ईयर हुआ है एंड इट्स ओनली गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर. मैम, आप एक छोटा सा मैसेज टूवर्ड्स दिस 15 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल प्लीज. यस ऑफ कोर्स, आई वांट टू विश AAFT एंड आल्सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फिल्म्स दैट आर हियर एंड एवरीबडी हु इज रिलेटेड टू दिस 15th ग्लोबल फेस्टिवल ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स, बिकॉज दिस इज आवर कॉमन इंटरेस्ट दैट हैज ब्रॉट अस टुगेदर एंड दिस इज ऑल्सो one of the common interests that binds the world together. You're doing a good job. All the very best.